हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे D++BTGT मैथ्स का। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो D++BTGT मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, मैथ्स आएगा, और उसके जो मार्क्स रहेंगे दैट वुड बी 100। जो कम्प्लीट पेपर है वो टू पार्ट्स में रहेगा। कितने पेपर होंगे? टू पार्ट्स में रहेगा, ठीक है। मीन्स पेपर के कितने पार्ट्स रहेंगे? टू पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा दैट वुड बी जनरल पार्ट, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, और इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो पार्ट है ये कितने मार्क्स का आएगा? टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट बी में आएगा, या डिसिप्लिन के नाम से आएंगे ये, तो इसमें क्या रहेगा, आपके टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा, और जिसके अंदर हमारे 10 to 15, ऑलमोस्ट वैसे 10 ही रह जाते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस भी रहेंगे। पैडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे 10 to 15, बाकी जो 85 to 90 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज, हमारे रहेंगे मेन सब्जेक्ट के। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए, बात करेंगे इसमें सिलेबस एंड अप्रोच की। जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्लास 6 टू ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस जो है वो बोला गया है। टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं दिया गया है, क्लास 6 टू ग्रेजुएशन। ओके, तो जो मैंने पेपर देखे हैं पिछले सालों के, उसके अंदर एक्चुअली क्या है, 6 टू 10th लेवल का जो सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस यही आया हुआ है, मोर देन 50%। ओके, उसके बाद 10 to 20% सिलेबस जो है वो आ रहा है प्लस वन एंड प्लस टू क्लास का, only 10 to 20%। after that very rare means almost 10 questions जो हम कह सकते हैं वो थे graduation level के। तो इस behalf पे ये जो मैंने syllabus का आपको description दिया है, हम ये देख सकते हैं कि जो paper clear करने के लिए marks आपको चाहिए ना, वो आपको 6 to plus 2 class का math भी करके मिल सकते हैं। और जो एक्चुअली प्लस वन क्लास का सिलेबस है वो क्या है, वो भी एक लिमिटेड सा पार्ट आता है। ओके, प्लस वन क्लास के सिलेबस का भी एक लिमिटेड सा पार्ट आता है। मेन जो सिलेबस है वो 6 to 10th क्लास का रहेगा। प्लस वन प्लस टू का भी हम करेंगे एक लिमिटेड पार्ट, जो कि हमारे लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहे, क्योंकि सब कुछ तो हम नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ओके, और दूसरी बात, एग्जाम की डेट की बात कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा, सबको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है एग्जाम की डेट के बारे में, वो ये कि अभी तो जैसे कि इलेक्शंस हैं, ओके, मई में जाकर इलेक्शंस खत्म होने वाले हैं, और उसके भी 1 to 2 मंथ के बाद डेट आएगी। जनरली लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में या अगस्त में, उससे भी लेट हो सकता है एग्जाम, बट आई मस्ट टेल यू कि ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे याद है एक बार मैंने भी एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तो एग्जाम की डेट जो है वो जस्ट 1 वीक पहले आई थी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नेक्स्ट संडे को एक एग्जाम है, तो इस संडे को जस्ट 7 डेज पहले उसकी डेट आई थी कि 7 डेज के बाद आपका एग्जाम है, और उन 7 डेज में फिर आप कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हस्टल इतनी हो जाती है लाइफ की कि आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे उन 7 डेज में। तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए कि अगर जब एग्जाम डेट आएगी, अगर एग्जाम डेट आएगी हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब रिविजन करेंगे, तब कुछ करेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। ऐसा कोशिश करेंगे तो कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए कि आपका एग्जाम नियरली 20 जून के बाद, ओके, 20 से 30 जून के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इससे लेट आपका एग्जाम नहीं जाएगा किसी भी हाल में। मैक्स टू मैक्स अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ओनली एंड ओनली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये भी एक्चुअली बहुत लेट हुआ तो है, अदरवाइज जून के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और सिलेबस को कवर करना, आज क्या डेट है, 5th ऑफ अप्रैल, ओके,
फिफ्थ ऑफ अप्रैल है आज, तो इन देखिए फिफ्थ ऑफ जून तक सारा सिलेबस एक बार प्लस एक रिवीजन, ओके क्या हो जाना चाहिए, सिलेबस प्लस रिवीजन एक बार हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो और लेवल को अप लेके जा सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं। देखिए सिर्फ एक ही घंटे का टाइम होगा, ओके तो उस टाइम के अंदर, मतलब टाइम एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, ठीक, तो उस टाइम के अंदर आप जो है अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक लिमिटेड से पार्ट में से जो हम करें वो सही करें, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है, तो उसके लिए पहले जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, फोकस से करें, क्वेश्चंस को फोकस के साथ अटेम्प्ट करना सीखें, जो बेसिक लेवल है बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएं, धीरे धीरे तैयारी करें, उसको इतना अच्छे से करें कि पेपर में जो क्वेश्चन एक बार आपने सॉल्व कर लिया उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शंस या कुछ भी डाउट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। PYQs हम करके देखने वाले हैं, ओके तो ये सब हमें कवर करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कवर करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा सिलेबस जो है वो कवर होगा। चलिए तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे कि पिछली बार बता दिया था पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको तैयारी स्टार्ट करवाने वाली हूँ, और ये जो तैयारी है मैं आपको करवाऊंगी हॉरिजॉन्टल अप्रोच। यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम अप्रोच डिस्कस करेंगे, अप्रोच क्या है, अप्रोच कैसी रहेगी हमारी, हॉरिजॉन्टल अप्रोच रहेगी। सबसे पहले देखिए मैथ्स के 3 पार्ट्स होते हैं, कैलकुलस, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। मेरे हिसाब से सबसे जो इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला पार्ट है ना, दैट इज एलजेब्रा। एलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या आना चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए, जस्ट 6th to 10th का एलजेब्रा पार्ट, ओके। एलजेब्रा पार्ट में क्या आता है, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, ये जो आपने पढ़ा हुआ है, एलजेब्रिक क्वांटिटीज, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्स वाई जेड, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके तो ये जो सब चीजें हैं ये किसका पार्ट है, एलजेब्रा का। इतने छोटे तो एक्चुअली हम नहीं है कि मैं आपको बेसिक एलजेब्रा ही डिफाइन करने लग जाऊं कि एलजेब्रा क्या होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, ओके तो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए, इसके जस्ट बाद आएगी, हम डिस्कस करेंगे एलजेब्रा और एलजेब्रा में हम क्या करने वाले हैं और सारा सिलेबस हम धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। तो मेरे साथ तैयार रहिएगा, डेली का शेड्यूल आपको मिल जाया करेगा, मैं आपके लिए एक पोस्ट डाल दिया करूंगी जिसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग चाहे तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप साथ में चल सकते हैं मेरे, पर डेली का डेली करिए ताकि आपको इजीली कवर हो सकता है और आप अपने पेपर को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।